स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकत परवीन खान और पॉलिटी की आज के सेशन में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट 10 टू 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे विच विल हेल्प यू इन द सीजीपीएसई प्रीलिम्स एग्जाम्स। देखिए, जो लास्ट क्लास थी, जो लास्ट वीडियो था, उस पर कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था दैट द क्लास शुड बी टॉपिक वाइज। देखिए, मैंने मकसद तो पहले आपको बता दिया था कि मैं मिक्स बैक क्वेश्चंस क्यों ले रही हूँ, फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, उसको क्लैरिफाई करती हूँ। पहली बात, 12 लेक्चर्स होने वाले हैं जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स डील करने वाले हैं और पॉलिटी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, 25 टू 30 टॉपिक्स हैं। अगर हम टॉपिक वाइज लेंगे तो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़, हर सब्जेक्ट में आपका जो डील करने का तरीका एफटीआर को अलग होगा, कुछ सब्जेक्ट्स आपके टॉपिक वाइज भी किए जाएंगे, कुछ नहीं। पॉलिटी का जो एफटीआर है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मकसद है कि इन 12 सेशंस में आप इस तरह से इसे प्रिपेयर करें, इस तरह से इसे समझें कि आप 12 क्वेश्चन पेपर्स के पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हर दिशा से होते हैं। आप जब एक टॉपिक पर फोकस करते हो और उसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप वन डायमेंशनल सोचते हो, बट ये लास्ट मोमेंट में आपकी पूरी प्रिपरेशन का एनालिसिस तभी हो पाएगा आप जब 360 डिग्री सोचोगे, फोर डायमेंशनली सोचोगे, तभी ये चीज़ें ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी। इट इज़ द मोर प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। सो द थिंग इज, हम क्वेश्चंस भी उतने ही रख रहे हैं जितने एक क्वेश्चन पेपर में रहते हैं उस सब्जेक्ट के। फाइनली अगर आप देखें तो 7-8 क्वेश्चन से ऊपर नहीं रहते, हम ले रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन। ये मान के चलिए कि 12 दिनों में 12 क्वेश्चन पेपर के पॉलिटी आप सॉल्व कर रहे हैं और थरो रिवीजन हो रहा है जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एग्जैक्टली, क्वेश्चन के लेवल भी इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सभी होंगे, सिर्फ मॉडरेट और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली, अभी भी अगर आप लोगों को सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो आपकी स्क्रीन्स पर फर्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा और द क्वेश्चन इज, संघीय राज से क्या तात्पर्य है, फेडरेशन का क्या मतलब है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए, इजी क्वेश्चन है ये। फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का पृथकीकरण होता है, शक्तियों का विभाजन होता है या शक्तियों का हस्तांतरण होता है। देखिए, जाहिर सी बात है क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि इंडिया, हम जानते हैं कि एक अर्धसंघात्मक ढांचा है, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, और इसलिए फेडरेशन का पॉलिटिकल मायने पूछा गया है। तो देखिए, फेडरेशन का डायरेक्ट मतलब ये होता है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक विकेंद्रीकृत ढांचा प्रशासन का जिसमें प्रशासन की जो शक्तियां हैं कई स्तरों पर बटी हुई रहती हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो फ्यूजन ऑफ पावर है वो तो आप इंडिया में देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में होता है। सेपरेशन ऑफ पावर है शक्तियों का पृथकीकरण, जो तीन स्तंभ है हमारे, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में जो शक्तियां बटी हुई हैं उनके ओर इंगित करता है, तो फेडरेशन का इसका डायरेक्ट लेना देना नहीं है। बट जो थर्ड ऑप्शन आपका आता है, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने कहा फेडरेशन का राजनीतिक मायने है कि वे केंद्रीकरण के जरिए प्रशासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई हों, जैसे कि हमारे देश में हैं। केंद्र और राज्य की अलग अलग सूचियां बनी हुई हैं और शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्रीय सूची में आप जानते हो ओरिजिनली 97 और फिलहाल 100 सब्जेक्ट्स हैं, और राज्य की जो सूची है उसमें फिलहाल 61 सब्जेक्ट्स हैं। केंद्र में कानून अलग बनते हैं, राज्यों में अलग। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है फेडरेशन की। हालांकि बहुत सारे और फीचर्स हैं फेडरेशन के, बट एग्जैक्ट मतलब यही है। सो आंसर इज सी। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट। किस समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और आप देख सकते हैं चार समितियों के नाम दिए गए हैं इसमें, सांथनम समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इंदिरा गांधी नेहरू समिति। बहुत इजी क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य वैसे भी जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे तो देखा था काफ़ी छोटा और काफ़ी प्रिसाइज सा एक टॉपिक होता है और उसमें 5-7 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये है। तो हम सभी इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है सी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। यस, इमरजेंसी के दौरान 1975 से 77 के बीच में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी। सरकार का कहना था कि मौलिक कर्तव्यों की भी एक सूची अस्तित्व में आनी चाहिए और उस वजह से सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई सन 1976 में। और इस समिति से सिफारिश करने के लिए कहा गया कि किस तरह से मौलिक कर्तव्यों को भारत में अस्तित्व में लाया जाए। इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सूचियों का एक रिकमेंडेशन, एक सिफारिश दी थी और उसी के आधार पर ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए ड्यूटीज़
ऐड की गई। हालांकि सरदार स्वरण सिंह कमेटी की सभी सिफारिशें नहीं मानी गईं, जैसे कि इन्होंने कहा था कि 8 ड्यूटीज़ होनी चाहिए, जबकि आप जानते हैं कि संशोधन में 10 ड्यूटीज़ शुरुआत में जोड़ी गईं। दूसरी चीज़, इन्होंने कुछ ऐसी ड्यूटीज़ का जिक्र किया था जैसे कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस, उसको शामिल नहीं किया गया, यानी लिस्ट वही नहीं थी जो इन्होंने दी, लिस्ट थोड़ी सी बदल करके डाली गई थी। उसके अलावा इन्होंने अर्थदंड का भी एक प्रावधान रखा था कि यदि कोई मौलिक कर्तव्य नहीं निभाता है तो संसद उनके लिए कुछ अर्थदंड भी ले सकती है या कोई ना कोई उनको पनिशमेंट किसी और तरीके से दी जा सकती है। बट आप जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब हमने डाला संविधान में तो वो नॉन जस्टिशिएबल या लीगली नॉन एनफोर्सिएबल तरीके से डाला गया, मतलब उसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, तो ये रिकमेंडेशन भी इनकी नहीं मानी गई। तो 8 की जगह 10 ड्यूटीज़ डालना या कोई भी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ या कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस इनके थे जो वो नहीं मानना, ये चीज़ें हुई हैं। एग्जैक्टली इनकी सिफारिशों को कॉपी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इनकी ही मेन रिकमेंडेशन थी, इन्होंने USSR से इंस्पायर होकर के पूरा एक ढांचा बनाया था। इन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसे अलग से एक पार्ट में डालना चाहिए, जबकि आप जानते हैं ये रिकमेंडेशन भी नहीं मानी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य जो है वो Part 4A में जोड़ा गया, Part 4K, जबकि इनका ये कहना था कि एक अलग से भाग बनाकर इसे जोड़ा जाना चाहिए था। कुछ चीज़ें इनकी मानी गई, ढांचा इन्होंने बताया, थीम इन्होंने बताया, बट उसे थोड़ा सा अलग तरीके से 42nd अमेंडमेंट में डाला गया। इनका सिफारिश थी 8 ड्यूटीज़ होनी चाहिए, अलग से भाग में होनी चाहिए और जस्टिशेबल होनी चाहिए, और कर अदायगी की जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों भी कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए, जो कि नहीं माना गया। हम फिलहाल जानते हैं कि Part 4K में मौलिक कर्तव्यों को एक अपेंडिज के तौर पर जोड़ा गया है और इसे नॉन जस्टिशिएबल बनाया गया है। मतलब उन्होंने कहा था जस्टिशिएबल करना, हमने नॉन जस्टिशिएबल किया है, और 8 की जगह 10 ड्यूटीज़ हैं और कर अदायगी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को हमने जोड़ा नहीं है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, मैंने कुछ और भी एसेंशियल्स बता दिए, यहाँ पे फिलहाल आपको याद रखना है स्वरण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों की 10 कर्तव्यों की सूची 42वें संशोधन से जोड़ी गई Part 4K में। दैट क्लियर, ठीक। लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, एज यू कैन सी ओवर देयर। अगला क्वेश्चन जो फ्लैश हो रहा है, यस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक करंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इमरजेंसी से रिलेटेड। उसमें क्वेश्चन देखिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार राज्य पर 1951 में लगाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। और सवाल पूछा है कि इनमें से राष्ट्रपति शासन के बारे में गलत कथन की पहचान करें। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जाँचना है, ना कि करेक्ट। हमेशा आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे पॉलिटी में, CGPSC प्रीलिम्स में। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पहले तो ये देखना कि सही स्टेटमेंट ढूंढने बोला है कि गलत स्टेटमेंट ढूंढने बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस में, दो स्टेटमेंट्स में रॉन्ग कौन सा है। तो पहला हम देखें, पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार राज्य में लगा, ये बिल्कुल गलत है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है एक तरह का आपातकाल है, ठीक, और ये आपातकाल सबसे पहले राज्य आपातकाल है, आप कह सकते हैं, हम इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, यानी कि संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं राष्ट्रपति शासन को। और ये सबसे पहले सन 1951 में ही पंजाब में लगा था, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में गलत क्या है, दिया गया है बिहार, लेकिन एग्जैक्टली ये लगा था पंजाब में, ठीक है। ईयर सही दिया है पर बिहार की जगह पंजाब है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो अगर आपने अनुच्छेद इंपॉर्टेंट पढ़े होंगे तो ये जाहिर सी बात है दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में किया गया है। सी, इमरजेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासतौर पर क्योंकि अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इस पर से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में भी भले ही हम 10 से 12 क्वेश्चंस डील करेंगे, पर 2-3 क्वेश्चंस रैंडमली ही इमरजेंसी से ही होंगे, खासतौर पर क्योंकि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा सकते हैं जुटा लें,
ठीक है, कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसके प्रैक्टिकल प्रोविजन्स क्या क्या हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा बार लगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अलावा बाकी इंडिया के सभी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक ना एक बार लग चुका है। इन तरह की चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ लें। और पूरा का पूरा जो आपका पार्ट 18 है इमरजेंसी 352 से लेकर 360 तक, इसे ज़रूर पढ़ लें, इसे ज़रूर रिवाइज करें क्लास में जाकर। सो राष्ट्रपति शासन, राज्य में यदि कोई संवैधानिक इमरजेंसी आती है तो राज्य सरकार को बर्खास्त करके या अगर इलेक्शन के सही नतीजे नहीं आ पाते हैं तो उस दौरान एनआरकी से बचने के लिए लगाया जाता है। एट अ टाइम वो एक राज्य में लगाया जाता है और उसका सीधा सीधा आपको पता है कि उल्लेख 356 में किया गया है। सो 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो इस तरह से जो सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट है वो भी गलत है, 360 दिया है जबकि आंसर है 356। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और आपके जो कूट दिए गए हैं उसमें, इसमें से ऑप्शन सी देख सकते हैं, बोथ 1 और 2, तो आंसर होगा दोनों में से कोई भी सही नहीं है, बोथ 1 और 2 आर रॉन्ग। इज दैट क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है जब संपूर्ण भारत की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो। इट कैन ऑल्सो भी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट इवन इन अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा भारत की किसी विशिष्ट भाग में की जा सकती है। अगेन इमरजेंसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं। और क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन में ये सीधा सीधा नहीं पूछा गया है ना, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, विचार करें। और आखिरी में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न कथनों में से सही चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, एकदम स्टार्टिंग में नहीं लिखा, लास्ट में लिखा है सही चुनिए, इस चीज़ पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं जो कि राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है पहला स्टेटमेंट जो है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसको हम पहले एनालाइज करते हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती जब संपूर्ण भारत की सुरक्षा को युद्ध या अथवा बाह्य, मतलब इसमें सीधा सीधा दिया है कि कारण क्या हो सकता है, हमारा संविधान किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का अनुमति देती है। तो आप जानते हैं तीन कारण हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये तीन वैलिड रीजन्स हैं जिससे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और पहला स्टेटमेंट वही कहता है। तो इस हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। जब भी भारत की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा का सवाल हो जाता है, आंतरिक सुरक्षा के सवाल हो जाता है और वो इन तीनों वजह से ही हो सकती है, या तो युद्ध हो रहा हो, या हम डिफेंसिव मोड में हों, बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, या भारत के अंदर ही अस्त्र शस्त्र लेकर के सरकार के खिलाफ कोई बड़े आंदोलन हो रहे हैं जिसमें वायलेंस का एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी को जिससे खतरा है, ऐसे माहौल में आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट में अगर हम आएँ तो दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा भारत की किसी विशिष्ट भाग में की जा सकती है। तो देखिए, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम कह रहे हैं नेशनल इमरजेंसी तो एट अ टाइम ये पूरे देश में ही लगेगी। हाँ, इतना सही है कि आज तक जब भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो वो पूरे देश में लगा है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि ये भारत के किसी एक हिस्से में भी लग सकता है और पूरे भारत में भी। गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ इमरजेंसी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ कही है कि संविधान ये नहीं कहता कि नेशनल इमरजेंसी का मतलब है पूरे नेशन में एक साथ लगना कंपलसरी है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट इसका पूरा नेशन ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक हिस्से में भी लग सकता है और पूरे देश में भी, कारण वही होना चाहिए, या तो युद्ध, या तो बाह्य आक्रमण, या तो सशस्त्र विद्रोह। तो अगर एक स्टेट में भी लगता है और कारण ये है तो आप उसे नेशनल इमरजेंसी कहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसकी घोषणा किसी विशिष्ट भाग में की जा सकती है, पूरे भारत में करना जरूरी नहीं है, ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और आप कूट देख सकते हैं इसमें से जो ऑप्शन बी है, बोथ 1 और 2, 1 तथा 2, दोनों ही करेक्ट है, ये इसका सही जवाब है।
आपकी स्क्रीन पर अब अगला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध पर आधारित है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर ये क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सरकारी आयोग, स्वर्ण सिंह आयोग, केलकर आयोग या इनमें से कोई नहीं। इट इज़ अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेम्बर येट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी कमीशन। सरकारी कमीशन इसका आंसर है। तो अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझें। भारत क्योंकि एक संघात्मक ढांचा है, केंद्र और राज्यों में भी शक्तियां बटी हुई हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में आपको किसी न किसी तरह का रिलेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, जो आपके पार्ट 11 में दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। कई जगह पर आपको डेलीगेशन ऑफ पावर मिलेगा, कई जगह पे कोऑर्डिनेशन मिलेगा, कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी, कई जगह पे कोऑपरेशन मिलेगा, व्हाटसोएवर। और इनको आगे और डिटेल करने के लिए बहुत सारे एक समितियाँ बनाई गई, जैसे कि पंची कमीशन और सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है जिसने केंद्र राज्य संबंधों पर उठ रहे कई सारे विवाद, कई सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश की। तो सरकारिया कमीशन के बारे में मैं आती हूँ, केंद्र राज्य संबंधों में उतना भी हम नहीं जाएंगे। 1983 में ये कमीशन बनी, 1983 में सरकारी कमीशन का गठन हुआ। इट इज़ अ थ्री मेंबर्ड कमीशन, तीन सदस्यीय ये समिति है और जिसके जो चेयरमैन थे वो थे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसी सरकारिया। ठीक है, सो ही वॉज द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी निगरानी में ये पूरी कमेटी का गठन हुआ 1983 में। एक साल के लिए कमेटी बनाई गई थी केंद्र राज्य संबंधों पर कुछ सिफारिशें देने के लिए, बट इस कमेटी का जो कार्यकाल है वो 3-4 साल के लिए एक एक करके 4 बार बढ़ाना पड़ा और फाइनली इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो 1987 में पेश की, जिसे आप कह सकते हैं फाइनल सार के तौर पर 1988 में स्वीकार किया गया। मतलब 1988 वॉज द फाइनल ईयर जब इसी को पूरी तरह से स्वीकार किया गया, हालांकि इनकी रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी 1987 में। सो द प्रोसेस स्टार्टेड इन 1983, एक साल के लिए बना था पर 4 बार इसे बढ़ाया गया। 87 में फाइनल रिपोर्ट बनाई और 88 में फाइनली इसे पेश किया। सरकारिया कमीशन की सिफारिशों में देर वर मेनी रिकमेंडेशन, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 247 रिकमेंडेशन दी थी। बहुत सारे पैमाने इन्होंने डील किए थे, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने अपनी टिप्पणियाँ दी थी, सिफारिशें दी थी। लेकिन मेन चीज़ जो आप इसमें से क्रक्स निकाल सकते हो वो ये, उन्होंने कहा था कि संवैधानिक जो ढांचा है केंद्र और राज्य के संबंध का, उसे बदलना नहीं, इंस्टीट्यूशनल चेंज मत करिए। ठीक है, जिस तरह की शक्तियाँ बटी हुई है, डिवीजन ऑफ पावर है, वो वैसे ही रहने दीजिए। ढांचा जो है संवैधानिक तौर पर ढांचा बदलने की ज़रूरत नहीं, प्रचनात्मक और कार्यात्मक बदलाव हो सकता है इसमें। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे पर वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होंगे। और इन्होंने जो उस वक्त बातें उठ रही थी कि आप केंद्र की शक्तियों में कटौती कीजिए क्योंकि इंडिया एक फेडरेशन है, केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है क्योंकि शक्तियाँ उसके पास ज़्यादा है, उसे भी सिरे से नकार दिया। मतलब सरकारिया कमीशन का ये सजेशन था कि केंद्र की शक्तियों में कटौती करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए ऐसा होना ज़रूरी है। हालांकि ये नहीं कह सकते, इसमें उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के संबंधों को आप ऐसे बदल दीजिए कि केंद्रीकरण हो जाए शक्तियों का, केंद्रीकरण ना हो, यथास्थिति बनाए रखिए और कटौती मत करिए केंद्र की शक्तियों में। इसके अलावा मतलब ये मेन इनका कहना था, ढांचागत परिवर्तन मत कीजिए, प्रचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन करें। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अपने सिफारिशें दी और मैंने कहा ना देयर वर 247 रिकमेंडेशंस, जिसमें से अब तक अगर आप देखोगे तो 180 रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 1990 में जो केंद्र राज्य परिषद बना था वो एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था सरकारी कमीशन का जो इम्प्लीमेंट हुआ था। सो दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू नो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, थोड़े बहुत रिकमेंडेशन और थीम जो इनकी सिफारिशों की वो आप जान सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप वो सारी कमिटीज़ के नाम याद कर लीजिए जो केंद्र और राज्य संबंधों पर सिफारिशें देने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें से एक ये है। इज दैट क्लियर? सो लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपकी स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा और आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है ये प्रस्तावना से संबंधित है। अगेन दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है इस पर विचार करिए और आखिर में पूछा है कि सही उत्तर चुने, यानी आपको इसमें से सही स्टेटमेंट्स को चुनना है। पहला आपका जो स्टेटमेंट है वो है द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संवैधानिक संशोधन से लिया गया है
और दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो देखिए, प्रस्तावना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट उसकी अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो ये वो स्टेटमेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पहला दिया गया है कि सेक्युलर वर्ड ऐड किया। तो देखिए, प्रस्तावना में आपको मैंने जो लेक्चर हमने पढ़ा था, जो हमने क्लासेस ली थी, उसमें भी मैंने बताया था कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसके पहले भारत की प्रकृति तीन शब्दों में ही बताई गई कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक लास्ट में एक रिपब्लिक है। पर जो भारत की प्रकृति बताने वाले पांच शब्द है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शुरुआती प्रस्तावना में नहीं थे। भारत की प्रकृति केवल तीन शब्दों से बताई जा रही थी, सॉवरेनिटी, दूसरा डेमोक्रेसी यानी कि संप्रभुता, लोकतंत्र और आखिरी में गणतंत्र। ये तीन शब्दों से भारत की प्रकृति बताई गई थी। ये दो शब्द जो थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शुरुआत में नहीं थे, इन्हें बाद में ऐड किया गया। और वो एडिशन जो था वो एक संशोधन के जरिए हुआ और जिसका उल्लेख किया गया है वो है 42nd अमेंडमेंट, वो बिल्कुल सही है, ठीक। एक लौता संशोधन जो प्रस्तावना में हुआ था, दैट वॉज 42nd अमेंडमेंट 1973, जिससे तीन शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी, सेक्युलर मतलब कि पंथ निरपेक्ष और आखिरी में इंटेग्रिटी मतलब अखंडता। ये तीनों ही शब्द शुरुआत में नहीं थे, जिसमें से ये दो शब्द भारत की प्रकृति को बताते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट से ये प्रस्तावना का हिस्सा बने। तो स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इज इट क्लियर। स्टेटमेंट टू देखिए, प्रस्तावना में ये तीन शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं प्रस्तावना की जो ओरिजिनल आप देख सकते हैं टेक्स्ट जो है वो अमेरिका से लिया गया, काफ़ी कुछ प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रभावित है, पर उसमें वो जो थीम है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीन शब्द है ना जो भारत में संविधान लिखने के उद्देश्यों के तौर पर आप पढ़ते हैं, प्रस्तावना में आप जानते हैं कि सात ऐसे शब्द हैं जो भारत में संविधान लिखने के उद्देश्यों को बताते हैं, उसमें से ये तीन शब्द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन शब्द संविधान लिखने के उद्देश्य हैं। ये तीन शब्दों को अगर हम इसका स्रोत देखें तो फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली। वहाँ का स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, समाज में सबको इक्वालिटी यानी कि चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे वो सोर्सेज हों, वो इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ बंधुता यानी कि भाईचारा, ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर मायने में पांच तरीके से स्वतंत्रता की बात की है, इक्वालिटी की बात की गई है कि अवसर की समानता मिलना चाहिए, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक, और सबका समान दर्जा होना चाहिए, स्टेटस समान होना चाहिए, इसकी बात की गई है। और तीसरी चीज़ फ्रेटर्निटी, मतलब समाज में भाईचारा होना चाहिए। ये जो चीज़ आप प्रस्तावना में कहते हैं ये फ्रांस की क्रांति की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल इस स्लोगन से लिया गया है। सो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है, एक और दो, बोथ वन एंड टू, ये करेक्ट ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? सो लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्स। क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद तीन संसद को अधिकृत करता है कि वह, ठीक, अनुच्छेद तीन के बारे में सवाल है और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से छांटना है। आर्टिकल 3 के तहत कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि आर्टिकल 3 इसमें से क्या चीज़ नहीं कहता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, दूसरा किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, तीसरा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आर्टिकल 3 आपके संविधान के भाग एक का एक अनुच्छेद है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद एक से लेकर चार तक के भाग एक में दिए गए हैं और इसमें भारत का पूरा जो टेरिटरी है, एक्सटेंशन है, मतलब कि भारत का नाम, इसकी स्थिति, इसका विस्तार जो है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। और अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के नाम का परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सीमाओं का परिवर्तन किया जा सकता है, उनके क्षेत्रों का परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन में बढ़ाना घटाना दोनों ही आ सकता है। एक राज्य को तोड़कर आप दो राज्य भी बना सकते हैं, नाम भी बदल सकते हैं, एरिया घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्रावधान
शुरू के तीनों ही आपके स्टेटमेंट्स में दिए गए, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बढ़ा भी सकता है एरिया, घटा भी सकते हैं, और बाउंड्रीज में भी चेंज किया जा सकता है, और इसके साथ साथ नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, और एक राज्य को तोड़कर आप दो राज्य भी बना सकते हैं। तो आर्टिकल 3 के ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान हेतु सत्य कथन बताइए। आपको अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ, और देख सकते हैं आप ये पूरी तरह से संविधान के ढांचे पर से क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इसमें अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद, इस बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आपको क्वेश्चन पूछा है सत्य कथन कौन सा है, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला आप देखिए स्टेटमेंट, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। सही या गलत? सही, ये स्टेटमेंट सही है। वी ऑल नो दैट 395 आर्टिकल्स थे, बाद में अमेंडमेंट्स के जरिए सब आर्टिकल्स के तौर पर बहुत सारे आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, करीब 450 आर्टिकल्स हैं अभी फिलहाल, लेकिन अगर आप देखें नंबरिंग के हिसाब से तो अभी भी 395 आर्टिकल्स ही हैं। नंबरिंग में कोई 396 97 नहीं, और ओरिजिनली भी 395 ही थे, नंबरिंग में भी और काउंटिंग में भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भारतीय संविधान में कुल 20 भाग हैं। सही है कि गलत? Absolutely wrong. Originally भी अगर आप देखेंगे, अभी भी देखेंगे, तो संविधान में शुरुआत से 22 भाग है, देर आर 22 parts, ना कि 20। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, मतलब ये पूछा है कि देर आर 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी ऑल नो कि प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट है वो 12 है, 12 हमारे अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट सही, सेकंड राउंड, थर्ड भी सही, और फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि 1949 में जब संविधान बना था तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन है, बट एनालिटिकल क्वेश्चन है, करके हमने इसे लिया है, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में ये आएगा। तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ओरिजिनली 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अलग अलग संशोधनों के जरिए 9th, 10th, 11th और 12th अनुसूची जोड़ी गई। आपके फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए 9th अनुसूची, उसके बाद 52nd अमेंडमेंट के जरिए 10th जो शेड्यूल है वो जोड़ा गया, 73rd अमेंडमेंट के जरिए 11th शेड्यूल जोड़ा गया, 74th अमेंडमेंट के जरिए 12th शेड्यूल जोड़ा गया। तो संशोधनों के जरिए 4 अलग अलग अनुसूचियाँ जोड़ी, ओरिजिनली 8 अनुसूचियाँ थी। तो आप देख सकते हैं इन चारों स्टेटमेंट्स में एक्सेप्ट स्टेटमेंट 2, जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट उसे छोड़ करके बाकी 3 सही हैं, और आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। पूछा है ना कि सत्य कथन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है 1, 3 एंड 4, तो 1, 3 एंड 4 ये 3 सही हैं, सेकेंड वाला गलत है, तो आंसर होगा ए 1, 3 एंड 4। इज दैट क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, भारत में नागरिकता का अर्जन किस तरीके से किया जा सकता है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक रूप से, या क्षेत्र समाविष्ट करके, और आपकी कोड दिए गए हैं कि कौन कौन से सही कौन कौन से गलत हैं। यानी इंडिया में पार्ट 2 में जो नागरिकता दी गई है उसके बाद किन किन और तरीकों से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है, इस बारे में सवाल है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली में सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, ठीक है, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, और आप जानते हैं कि अगेन CAA बिल के वजह से नागरिकता का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं अलग अलग वीडियोस में डील करूंगी, चाहे वो सिटीजनशिप एक्ट से हो, चाहे वो अमेंडमेंट से हो, चाहे ओरिजिनल सिटीजनशिप के टॉपिक से हो, ठीक है। तो फिलहाल आप ये देखें कि ये क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम 1955 जिस पर अभी विवाद चल रहा है, जिसके संशोधन पर अभी विवाद चल रहा है। तो उसके ओरिजिनल अधिनियम में 5 तरीके दिए गए हैं जिसके ज़रिए भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। पहला है जन्म के ज़रिए, यानी कि बाय बर्थ। दूसरा है बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण की जा सकती है। चौथा है नेचुरलाइजेशन, मतलब कि प्राकृतिकरण से। और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट करके, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन पांचों तरीकों से अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कोई भी भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें जो चारों तरीके हैं
वो सही हैं और इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. ऑल द 4 आर करेक्ट. ठीक, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और उसके साथ साथ एक जो इसने तरीका छोड़ दिया ऑप्शन में वो है बर्थ. ये 5 तरीके हैं. Is that very clear? See, there are many questions which can be framed on citizenship. उसको हम हर वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे. इमरजेंसी, सिटीजनशिप, ये करंट के टॉपिक्स हैं. और याद रखिए, जब भी करंट में कुछ होता है उसका ओरिजिनल पार्ट जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वहाँ से सवाल आते हैं. करंट में जो हुआ तो करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आएगा, पर उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट आपने पढ़ा, उससे रिलेटेड आपने जो टॉपिक अपने सब्जेक्ट में पढ़ा है उससे ज़रूर आता है. जैसे कि मान लीजिए कहीं भूकंप आया, ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, कहीं भूकंप आया मान लीजिए, तो आपको उस साल के कई सारे क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस दिखेंगे भूकंप के कारणों पर, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ पे, फॉल्टिंग पे, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे. वैसे ही मतलब कहाँ आया वो तो करंट का क्वेश्चन हो गया, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ओरिजिनल जो टॉपिक है उससे ज़रूर दिखेंगे. बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए अभी मैं कहती हूँ संविधान से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बिल्कुल सिटीजनशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. हालांकि मेंस के सिलेबस में नहीं दिया, पर प्रीलिम्स पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है, तो ये बिल्कुल बनता है कि नागरिकता या नागरिकता अधिनियम पर से क्वेश्चन आ सकते हैं. दूसरी चीज़, महाराष्ट्र में जो इमरजेंसी लगी थी उस वजह से इमरजेंसी का पूरा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, हो सकता है. तो उसका जो ओरिजिनल आपने पार्ट पढ़ा है यानी कि टॉपिक जो पढ़ा है उसे ज़रूर रिवाइज कर लें. ठीक, तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे या इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 4 हुए आंसर सही हैं. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा उसे पढ़ते हैं हम. क्वेश्चन है कि सत्य कथन क्या है. आपको ट्रू स्टेटमेंट जो है वो जांचना है, और आपको एक एक करके हम स्टेटमेंट्स देखते हैं और उसमें देखते जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है, अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट जांचना है, याद रखना इनकरेक्ट नहीं. पहला स्टेटमेंट है द एज लिमिट फॉर वोटिंग इन इंडिया इज 18 ईयर्स. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, हम सब जानते हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक, 18 वर्ष है अडल्ट फ्रेंचाइज की एज. दूसरा है एज लिमिट वॉज 21 ईयर्स फॉर वोटिंग इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में ओरिजिनली 21 वर्ष थी. बिल्कुल सही. आज हम जानते हैं कि 18 वर्ष है, वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष है, बट ओरिजिनली ये 21 साल थी. ठीक, तीसरा स्टेटमेंट आता है द कि मतदान हेतु आयु सीमा में परिवर्तन 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया. यस, मैं एक्चुअली यही बताना चाह रही थी कि पहले 21 साल थी लेकिन 61st अमेंडमेंट के जरिए इसे 21 से घटा करके 18 किया गया. तो इस हिसाब से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है. तो देखिए, फिलहाल 18 साल है, ओरिजिनली 21 साल था, लेकिन 61st अमेंडमेंट के जरिए इसे घटा करके 18 साल किया गया. फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं. 61वां संवैधानिक संशोधन 1987 में आया था, मतलब ये संशोधन 1987 में आया था, ये बिल्कुल गलत है. एक्चुअली में 61st अमेंडमेंट जो है ये 1989 में आया है. 61वां संवैधानिक संशोधन जिसमें वोटिंग की एज घटाई गई थी, 21 से 18 की गई थी, ये आपका 1989 में आया. तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है. ठीक है, सो इस हिसाब से आपकी जो कूट दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. आपका ऑप्शन जो सही है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 and 3. ये तीनों सही है, फोर्थ वाला गलत है. इज दैट क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज की पॉलिटी FTR में इतना ही. कल की क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका पूरा थरो रिवीजन प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएगा. थैंक यू सो मच. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.